आई वेलकम यू ऑल इन दिस फ्री वेबिनार ऑन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी फॉर स्टॉक मार्केट एंड कमोडिटीज। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी या लोग जो बिना फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी करे भी जो लोग अपने टेक्निकल और फाइनेंशियल नॉलेज के बेस पे शेयर बाजार में पैसा कम लगाते हैं, बहुत कुछ स्टेक पे होता है। बहुत से लोग बहुत बहुत पैसा लगा देते हैं और अपने नॉलेज के साथ ही लगाते हैं, पर मार्केट फेवर नहीं करता, लॉस खा जाते हैं। अब जो चीज आपको प्रेडिक्ट करनी है, फोरकास्ट करनी है, उसके लिए आपके पास जितनी नॉलेज है उतना अच्छा है। जो भी आपको टूल है जो आपको असिस्ट करता है कि आपकी एक्यूरेसी का लेवल बढ़ जाए, उसको हमको सीख सकते हैं। टेक्निकल नॉलेज, फाइनेंशियल नॉलेज, टेक्निकल चार्ट पढ़ना, फंडामेंटल चार्ट पढ़ना, ये आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। पर साथ ही साथ अगर हम उसमें फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी भी जोड़ दें तो सक्सेस रेट काफ़ी बढ़ने की संभावना हो जाती है। दुनिया में सब कुछ, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कंट्रोल्ड बाई प्लैनेट्स एंड द स्टार्स। एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड। वी हैव गॉट सम फ्री विल। अपने दृढ़ प्रारब्ध के लिए हम फ्री विल यूज करते हैं, अपने आगे के भविष्य निर्माण निर्माण के लिए फ्री विल यूज करते हैं, पर जो दृढ़ प्रारब्ध है वो तो मिलना ही है। तो चाहे मनुष्य हो, चाहे पूरा यूनिवर्स हो, चाहे मेटल्स हो, चाहे ग्रोसरी आइटम हो, स्टॉक आइटम हो, एवरीथिंग इज इन दिस यूनिवर्स इज गवर्न बाई प्लैनेट्स एंड द स्टार्स। उन्हीं के मोशन से जीवन जीवन लोगों का जीवन निर्धारित होता है, और उन्हीं के मोशन से संसार में जो धातु है, जो मूल है, जो शेयर है, जो स्टॉक है, जो फाइनेंस है, संसार में होने वाली छोटी बड़ी घटनाएं हैं, भूकंप आने हैं, सुनामी आने हैं, अच्छी बातें होनी है, एपिडेमिक होनी है, सब कुछ स्टार्स के माध्यम से ही होता है। तो आज हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा विषय है, 1 घंटे में मैं आज कुछ टॉपिक लिए हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा लेके आपको दिखाऊंगा कि बैक डेटा पे वो कैसे काम करते हैं। अक्सर मैं काफी टाइम से सर्वतोभद्र चक्र ले रहा था, इस बार मैं कुछ और चीजें ली है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों को शेयर प्रोडक्शन के लिए। चलिए, लेट मी ओपन माई सेशन। वन मोर टाइम आई विल हैव टू आस्क। मेरा प्रेजेंटेशन विजिबल है टू एवरीबडी? कैन एवरीबडी सी लॉर्ड गणेशा? यस सर, ओके ओके, यस एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। यस सर। लेट अस स्टार्ट विद द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड गणेशा। वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। देखिए, हर बार मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ, जो भी ज्योतिष को सीखने वाले हैं सब लोगों को बताता हूँ, ज्योतिष के क्षेत्र में हमको प्रवेश करना है, ज्योतिष से संबंधित कोई भी विद्या लेनी है तो हमको भगवान श्री गणेश जी की आशीर्वाद लेना चाहिए। वैसे तो देखिए, सनातन धर्म में कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं, कोई भी कार्य बिना विघ्न और बाधा के संपन्न होने के लिए भी हम गणेश जी की पूजा तो करते ही हैं। पर ज्योतिषी में एक विशेष स्थान इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑकल्ट साइंस, चाहे कोई सी भी ऑकल्ट साइंस हो, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, एस्ट्रो वास्तु हो,
कुछ भी ऑकर्ड साइंस में है, एवरीथिंग ऑकर्ड साइंस कम्स अंडर द प्लैनेट केतु। केतु के जो डीटी है वो भगवान श्री गणेश है। ऑकर्ड साइंस के जितने भी तंत्र मंत्र निकल के आते हैं, यंत्र निकल के आते हैं, ये सारे के सारे हम कहाँ से आते हैं? अथर्ववेद से आते हैं। अथर्ववेद के भी ईष्ट देव भगवान श्री गणेश है। तो भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, ऐसी हमेशा मनोकामना करनी चाहिए। देखिए फ्यूचर टेक मेरा इंस्टीट्यूट है, इसके माध्यम से मैं अलग अलग विषयों पे शिक्षा देता रहता हूँ। वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, कमर्शियल वास्तु, केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक के बहुत सारे वर्कशॉप्स होती रहती है। ओके, और मेडिटेशन के भी कभी कभी मैं सेशन कराता हूँ लोगों को फायदा देने के लिए। क्योंकि देखिए कोई भी साइंस एस्ट्रोलॉजी की होती है, इट इज ए डिवाइन साइंस। इफ द पर्सन हैज अ गुड कनेक्टिव विद द यूनिवर्स तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो मेडिटेशन करते हैं तो हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ती है। वास्तु एस्ट्रोलॉजी, और मेरा एक सॉफ्टवेयर है वास्तु टेक सॉफ्टवेयर, जिसके माध्यम से हम एंड टू एंड वास्तु कर सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि तो आज हमारा जो एम है वो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमको स्टॉक मार्केट में कैसे मदद करे वो जानना है। देखिए ये कोर्स हमारा शुरू हो रहा है 29 मई से, और इसका ये 2 महीने का कोर्स रहेगा। बहुत एलोबरेट कोर्स है, इसके अंदर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, मंडेन एस्ट्रोलॉजी अभी मैं बताऊंगा, काफी कुछ हम इसके अंदर सीखेंगे। ओके, और 2 महीने की दो करीब 2 महीने कोर्स ये चलता है, 2 सवा 2 महीने, 15 से 16 क्लास होती है। फीस इसकी 25,350 रहती है। वीक में 2 क्लास होती है, शाम को 8:30 बजे से 10 बजे तक। क्लासेस आर कंडक्टेड ऑन वेडनेसडेज एंड सैटरडेज। इसमें हमको हर क्लास की वीडियो मिलती है, कोई आपकी वीडियो मिस हो जाती है, किसी दिन अटेंड नहीं कर पाते हो, बाद में सुन सकते हैं। कोर्स मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलता है। ओके, और ये मेरे नंबर दिए हुए हैं 9205725596 और 9671931555। इस पर आप मुझको व्हाट्सएप करके कोई भी कोर्स की डिटेल चाहिए वो मंगा सकते हैं, या कोई आपकी क्वेरी है तो बात कर सकते हैं। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, टाइम टू टाइम सीखते रहते हैं। आई एम टू टीच 1,000 स्टूडेंट दिस ईयर। ओके, आई एम वेल ऑन द वे। जून के अंदर हमारा एक कोर्स शुरू हो रहा है केपी एस्ट्रोलॉजी का, 11 जून को। ये इसके 25 सेशन होते हैं, 2.5 महीने का है। 16,350 इसकी फीस रहती है। केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर इसमें फ्री मिलता है, 1 साल की सब्सक्रिप्शन। ओके, तो इट इज जस्ट एन अनाउंसमेंट। चलिए अब हम बात करते हैं जिसके लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी फॉर स्टॉक मार्केट एंड कमोडिटीज। देखिए एक डिस्क्लेमर है कि एस्ट्रोलॉजी है हमारी बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन के हिसाब से अब इसको शेयर करते हैं, पर ट्रेडिंग के अंदर पैसा लगाना एक रिस्क और जोखिम वाला काम है। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो किसी सर्टिफाइड प्रोफेशनल की हेल्प लें। ओके, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो एक विद्या है, टेक्निकल हर हर सारी चीजें एक विद्या होती है, पर कोई भी विद्या फोरकास्टिंग के लिए आपका जो सक्सेस रेट है उसको बढ़ा ही सकती है। कोई भी विद्या आपको 100% नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, हर आदमी का इंटरप्रेट करने का तरीका अलग हो सकता है। एक ही चीज बताई गई 10 लोगों को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, कुछ लोग उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके धोखा खा सकते हैं। तो खाली एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं है, कोई सी भी एजुकेशन हो। ओके, तो आपको क्या करना है, ये एक डिस्क्लेमर है, इसको पढ़ लीजिए। देखिए जो भी मेरा कोर्स शुरू होता है, मैंने दो चीज पाई है, जो मेरे स्टूडेंट आते हैं उनके एक्सपीरियंस से मैं हर बार अपने कोर्स के अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस करता रहता हूँ, क्योंकि मेरा पर्पस
ये है कि जो मेरे से एक बार सीख के जाए वो इतनी नॉलेज लेके जाए कि कल को वो उस विद्या से लाभ उठा सके, मान और सम्मान कमा सके। ओके, तो मैं टाइम टू टाइम चेंजेस करता हूँ। तो कुछ स्टूडेंट्स मेरे ऐसे ज्वाइन करते हैं जो कि इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अच्छे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पर उन्होंने लॉसेस भी खाए हुए हैं। तो हर आदमी चाहता है कि हम जो है लॉसेस कम हो, प्रॉफिट ज्यादा हो, या कुछ जो ऐसे भी लोग हैं जो प्रॉफिट में है वो और भी ज्यादा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। और जब वो लोग सुनते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी से बहुत अच्छे परिणाम आते हैं, तो WD गैन से बहुत अच्छे परिणाम आते हैं, तो वो फिर मुझको अप्रोच करते हैं। तो मैं ये पाता हूँ कि उनको एस्ट्रोलॉजी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। दूसरी तरफ मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी तो जानते हैं पर उनको टेक्निकल ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। वो ट्रेडिंग करनी है तो उन्हें टेक्निकल चार्ट का ABCD नहीं पता है, जैसे कि उनको नहीं पता है कि रेजिस्टेंस क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, सपोर्ट्स क्या होते हैं, कैंडल्स कैसे बनती हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, फंडामेंटल क्या होते हैं। तो टेक्निकल चार्ट वगैरह नहीं आता है उनको। तो व्हाट आई हैव डन, अभी मैं इसके अंदर बेसिक एस्ट्रोलॉजी के सेशन लेता हूँ। शुरू में करीब 1 से 1.5 सेशन बेसिक एस्ट्रोलॉजी का होता है, जिसके अंदर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी का वो पार्ट लेते हैं, वो टर्मिनोलॉजी लेते हैं जो कि हमारी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में यूज हो, जिससे हमारे इन्वेस्टर भाइयों और हमारी बहनों को उसके अंदर कोई परेशानी ना हो टर्मिनोलॉजी के समझने में। जोडियक क्या होता है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, मतलब उनका रोल स्टॉक मार्केट में क्या है, नक्षत्रास क्या होते हैं, राशियां या साइंस क्या होते हैं, ओके, नक्षत्रों के उच्च राशि नीच राशियां क्या होती हैं, कौन से प्लैनेट आपस में मित्र हैं, कौन सी उनकी एग्जॉल्टेशन की राशियां हैं। तो ये कुछ बेसिक एस्ट्रोलॉजी की चीज है जो कि सीखने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है। तो इन्वेस्टर जो हमारे साथ आते हैं, थोड़ी बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ के फिर इनको समझने में आसानी होती है। दूसरी तरफ ऐसे जो लोग स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं जो कि पूरी एस्ट्रोलॉजी की बैकग्राउंड है, बट दे नो नथिंग अबाउट द चार्ट रीडिंग, टेक्निकल चार्ट रीडिंग। तो 1 सेशन या 1.5 सेशन में रखता हूँ शुरू का, जिसके अंदर हम टेक्निकल चार्ट पढ़ना सीखते हैं। इसलिए मेरे इस कोर्स का नाम अब है टेक्नो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी फॉर स्टॉक मार्केट। ओके, तो इसमें हम 1.5 दिन में क्या 1.5 सेशन में क्या सीखेंगे, टर्म्स लाइक व्हाट आर रेजिस्टेंसेस, व्हाट आर यू कैन से डिफरेंट सपोर्ट सिस्टम, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ओके, कैंडल्स कितने प्रकार की होती है, कैंडल को पढ़ के ही आप कैसे पता लगा सकते हो कि मार्केट रिट्रेस होगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो बेसिक है जो जाननी चाहिए वो हम लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको उसका भी हल्का हल्का सा आज के सेशन में भी बताऊंगा। देखिए बेसिक एस्ट्रोलॉजी में क्या होगा, नक्षत्र राशियां और प्लैनेट ये मेन पिलर है। भाव भाव कहाँ पर आते हैं, अगर हम किसी कंपनी का चार्ट पढ़ना चाहते हैं, आप कहो जी मैं तो रिलायंस, आप कहो कि भाई ठीक है ऑयल एंड गैस तो बहुत अच्छा कर रहा है, बट आई एम कीन टू नो अबाउट द रिलायंस, ठीक है। तो कंपनी का चार्ट पढ़ोगे तो उसमें हाउसेस भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। या फिर आप कहो कि मैं अपना खुद का चार्ट देखना चाहता हूँ कि मेरा फ्यूचर स्टॉक्स में है या नहीं, मैंने बहुत पैसा लगाया मुझको तो लॉस हो गया, या मैं कभी पैसा लगाता हूँ 2 साल तो मैंने पैसे कमाए फिर मैंने गंवा रहा हूँ, तो क्या कारण रहता है। तो उसमें हाउसेस का भी रूल आता है, मतलब पर्सनल हॉरोस्कोपी का भी रूल आ जाता है, और कंपनी का चार्ट कैसे बनता है वो हम कोर्स में डिटेल में समझेंगे। पर वहां पर भी हमारा हाउस का रोल भी आ जाएगा। बहुत ब्रीफली बताऊंगा, देखिए जोडियक सिस्टम है, ये येलो बॉल है, दिस इज सूर्य, दिस इज सन, अर्थ रिवॉल्व हो रही है। जैसे अर्थ रिवॉल्व हो रही है ऐसे ही 11 प्लैनेट,
फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में हमको 12 प्लैनेट की जरूरत पड़ती है, जो ट्रांस सेटेरियन प्लैनेट्स हैं, जैसे कि यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो है, वो भी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, तो यूनिवर्स के चारों तरफ ये एक इमेजिनरी बेल्ट है 18 डिग्री की, विच सराउंड्स द यूनिवर्स। ओके, इसी को हम लोग जोडिया कहते हैं। ओके, ये 18 डिग्री की बेल्ट है, इस एक्सिस से 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे। ओके, तो ये एक सर्कल हो गया 360 डिग्री का। इस 360 डिग्री को देखिए, तो हमारा जो सिस्टम है, मैंने आपको बताया सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। कौन कौन से प्लैनेट है जो हमको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में जरूरत पड़ेगी? मरकरी, वीनस, अर्थ। अर्थ पे तो हम लोग बैठे हुए हैं, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अभी हम समझेंगे। मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, दे ऑल रिवॉल्व अराउंड द सन। चंद्रमा सूर्य के चारों तरफ नहीं घूमता, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। बट सिंस चंद्रमा आल्सो इफेक्ट द लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ, प्लैनेट के ऊपर जो धातु और मूल है, मेटल है, जैसे सोना है, चांदी है, निकिल है, तांबा, लोहा है, कुछ भी मेटल है, या ग्रोसरी है, गेहूं है, चावल है, या ह्यूमन लाइफ है, चंद्रमा उस पर पूरा असर डालता है। इसके अलावा राहु और केतु दो प्लैनेट हम इसको कहते हैं, पर ये प्लैनेट नहीं है, ये क्या है, इमेजिनरी बॉडीज है, इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। दे आर जस्ट ए मैथमेटिकल पॉइंट्स वेयर सन ऑर्बिट इंटरसेक्ट्स मून्स ऑर्बिट। तो दो पॉइंट में वो कट करता है, एक पॉइंट को राहु कहते हैं, दूसरे को केतु। पर ये दोनों पॉइंट भी इतने पावरफुल है कि पृथ्वी के ऊपर होने वाले मनुष्य पर भी, जीव पे भी, धातु पे भी, मूल पे, तीनों पे असर डालते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चंद्रमा, राहु, केतु को भी प्लैनेट मान लेते हैं। दूसरा फर्क क्या आ जाता है कि एस्ट्रोनॉमी में तो सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं प्लैनेट, पर एस्ट्रोलॉजी में हम पृथ्वी पे बैठे हुए हैं और हमको सूर्य ईस्ट से निकलता है और घूमता हुआ वेस्ट में छुप जाता है, तो हमको जो लगता है कि सूर्य घूम रहा है। एस्ट्रोलॉजी में वी विल से कि ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ओके, चलिए, और डिटेल तो हम इसकी कोर्स में पढ़ेंगे। बाकी देखो, जोडियक के 12 हिस्से कर देते हैं 30-30 डिग्री के, तो राशियां बन जाती है। हर राशि का कोई ना कोई प्लैनेट लॉर्ड होता है, जैसे कि एरीज और स्कॉर्पियो का मंगल होता है। सूर्य चंद्रमा को एक एक राशि की लॉर्डशिप मिलती है, और राहु केतु को कोई राशि की लॉर्डशिप नहीं है। ये मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, और ठीक है, क्योंकि कोर्स में हम डिटेल में करेंगे, आज मुझे बहुत सी चीजें बतानी है। इसी तरह से जोडियक को जब मैं 27 छोटे छोटे भागों में बांट देता हूँ, 27 इक्वल हिस्सों में, 27 इक्वल डिवीजन, तो एक डिवीजन 13 डिग्री 20 मिनट्स का बन जाता है। देन ईच डिवीजन इज गिवन सम नेम लाइक अश्वनी, भरणी, कृतिका, इन्हीं को नक्षत्र या स्टार या कॉन्स्टलेशन कहते हैं। तो 27 नक्षत्राज होते हैं, तीन तीन नक्षत्रों का एक एक प्लैनेट लॉर्ड होता है। जैसे अश्वनी मघा मूल का जो लॉर्ड है वो केतु है, भरणी पूर्व फागुनी, पूर्वाषाढ़ का शुक्र है। दिस आल्सो वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द कोर्स। ओके, बट दिस इज जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स। अब ये भी समझेंगे कि कौन कौन से प्लैनेट, राशियों की ग्रुपिंग कैसे होती है, अग्नि तत्व। फिर कुछ प्लैनेट शुभ होते हैं जिसको बेनिफिक कहते हैं, कुछ प्लैनेट क्रूर होते हैं, ईविल प्लैनेट होते हैं, या मैलेफिक होते हैं, जैसे कि मार्स, सैटर्न, राहु। तो बेनिफिक और मैलेफिक प्लैनेट का अपना रोल होता है मार्केट को बुलिश और बियरिश करने में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझेंगे। ये प्लैनेट की म्यूचुअल फ्रेंडशिप है, जैसे सूर्य का मित्र है चंद्रमा, मार्स, जुपिटर, शनि, वीनस उसके शत्रु हो जाते हैं, तो ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि तो जब प्लैनेट घूमते हैं और जिस राशि में जाते हैं, उसके लॉर्ड के साथ इसकी रिलेशनशिप कैसी है, शत्रु वाली है या मित्र वाली है, वो भी मार्केट के ऊपर
अकॉर्डिंगली इम्पैक्ट डालती है। देखिए कोई भी रिकॉर्डिंग के लिए रिक्वेस्ट ना भेजे, ओके, क्योंकि पार्टिसिपेंट आर नॉट अलाउड टू टेक द रिकॉर्डिंग, तो कोई रिक्वेस्ट ना भेजे। देखिए जितने भी प्लैनेट्स हैं किसी खास राशि के अंदर ये बहुत पावरफुल हो जाते हैं और अपना पूरा रिजल्ट देते हैं, उसको हम कहते हैं कि प्लैनेट एग्जॉल्टेड या उच्च का हो गया है। वेयर एज सम राशिज वेयर प्लैनेट जाके बहुत वीक हो जाता है और अपना रिजल्ट नहीं दे पाता, उसको हम कहते हैं कि ये नीच का या डेबिलिटेटेड है। कुछ राशियां प्लैनेट की मूल त्रिकोण कहलाती है, वहां पे भी जाके प्लैनेट पावरफुल हो जाता है, नॉट एज पावरफुल एज वेन इट इज एग्जॉल्टेड बट इट इज स्टिल पावरफुल। तो इनका भी बहुत ज्यादा उपयोग होता है कि कौन सा प्लैनेट उच्च का होके बैठा है, नीच का होके बैठा है, क्योंकि तो अपनी अवस्था के अनुसार वो रिजल्ट देता है। जैसे जुपिटर है, अगर उच्च का हो जाता है, ठीक है, तो हो सकता है कि वो गोल्ड के रेट को डाउन कर दे, नीच का हो जाएगा तो सोने के रेट बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से हर सेक्टर की मार्केट को जानने में, किस पीरियड में मार्केट बुलिश होगा, उसका बेयरिश होगा, ये सब कुछ हेल्प करता है। फिर वैदिक की कुछ एस्पेक्ट होती है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। अभी जैसे वैदिक में कहेंगे कि एक प्लैनेट जहाँ बैठा है वहां से सातवें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है, मंगल शनि और बृहस्पति को स्पेशल दृष्टियां प्राप्त है, ओके, बट दैट वी विल टेक इन डिटेल इन कोर्स, बिकॉज इन 1 आवर वी कैन नॉट टेक एवरीथिंग इन डिटेल, ओके। अच्छा कंबस प्लैनेट को समझ लीजिए। कंबस प्लैनेट का मतलब यह है कि कोई प्लैनेट घूमते हुए सूर्य के नजदीक पहुंचा, इसको कहते हैं कि प्लैनेट जब सूर्य के पास जाया तो उसके उसकी एनर्जी में उसकी उसका जो इफेक्ट है वो आपको एक तो धरती से दिखाना बंद हो जाता है, तो उसको कहते हैं अस्त हो गया, और दोनों की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इंटरमिंगल हो जाती है और दोनों प्लैनेट कंजंक्ट होके रिजल्ट देते हैं एक दूसरे का, ठीक है। कंजंक्ट होने पे एक दूसरे के लिए तेजी कारक भी हो सकते हैं, मंदी कारक भी हो सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो कंबस्ट होना, जो प्लैनेट कंबस्ट होता है, तो वो भी वो प्लैनेट जो कंबस्ट हो रहा है, जिस भी धातु जिस भी मेटल जिस भी सेक्टर को वो गवर्न कर रहा है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। देन देर इज अनदर फिनोमा विच इज रेट्रोग्रेशन, प्लैनेट का वक्री होना। तो कंबस्ट और रेट्रोग्रेड में आपको क्या बता रहा हूँ, क्योंकि इसी को हम आज हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, और प्लैनेट का रेट्रोग्रेड होने पे मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ता है वो आज हम किस स्टडी में भी देखेंगे। देखिए प्लैनेट अपने सामान्य गति से घूमते हैं एक ही दिशा में, परंतु कई बार सन की अर्थ की और उस पर्टिकुलर प्लैनेट की इस खास स्थिति बन जाती है कि हमको लगता है कि प्लैनेट उल्टे डायरेक्शन में चल रहा है। जैसे मंगल है, हमको लगेगा कि ये उल्टा चल रहा है, या जुपिटर है, इट लुक लाइक्स इट इज मूविंग इन द बैक डायरेक्शन, जबकि रियल लाइफ में वो सीधा ही चलेगा, पर हमको इल्यूजन होता है। जैसे आप ये समझ दिए, आप राजधानी एक्सप्रेस में जा रहे हो और बगल वाले ट्रैक पे आपसे आगे सेम डायरेक्शन में मालगाड़ी जा रही है, आप जब पीछे हो तो आपको दिख रहा है गाड़ी आगे जा रही है और सेम डायरेक्शन में, जब आपकी राजधानी एक्सप्रेस उस मालगाड़ी को ओवरटेक कर रही होती है, दैट टाइम आप विंडो से देखोगे आपको लगेगा कि मालगाड़ी पीछे चल रही है, जबकि वो तो आप ही के डायरेक्शन में जा रही है। तो दिस इज बिकॉज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ओके। तो इसी तरीके से हमको प्लैनेट में भी खास कॉम्बिनेशन में प्लैनेट उल्टे जाते दिखते हैं। जब प्लैनेट हमको रेट्रो होते हुए जाते हुए दिखते हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण फिनोमिना है, जो कि जो प्लैनेट रेट्रो है उससे संबंधित सेक्टर कमोडिटी के अंदर मार्केट में चेंजेस आते हैं, ओके। क्या चेंजेस आते हैं दैट वी विल अंडरस्टैंड। एक नवमास चार्ट बनता है, ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, पर इसका पर्पस क्या है, जब प्लैनेट की स्थिति हमको और माइक्रो लेवल पे देखनी है। जैसे एक राशि तो 30 डिग्री की होती है, एक प्लैनेट किसी राशि में
चाहे वो उस राशि में 1 डिग्री का हो चाहे 29 डिग्री का हो, उसी राशि में है। परंतु अगर हम उस राशि को 9 हिस्सों इक्वल भागों में बांट दें तो हर भाग 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। फिर हम देखें कि उस राशि के वो कौन से वाले पार्ट में पड़ रहा है, उस पार्ट के हिसाब से हम एक फिर नवमांश चार्ट बनाते हैं। तो एक एक राशि के 9 भाव हो गए तो 12 राशियों के 108 भाव हो जाते हैं। तो माइक्रो लेवल पे वो 108 भाव में लेवल पे या सब डिवीजन पे कहाँ कहाँ पड़ रहे हैं उसको वो D9 में रिप्रेजेंट करता है। और वहाँ जब वो नवमांश में जाता है तो किसकी लॉर्डशिप के अंडर गया है वो भी मार्केट को शॉर्ट टर्म में बताने के लिए बहुत उपयोगी होता है। ओके, तो ये मैंने आपको बहुत बहुत समराइज करके बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं क्योंकि आई हैव टू कवर अ लॉट। देखिए फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी, फिर भी कुछ लोग ऐसे दिख जाएंगे वो कहेंगे जी ये तो मिथ है, हमारी जो भी पुरानी विद्याएं है उसको मिथ कह देते हैं। परंतु जब आप देखोगे जो वर्ल्ड की मोस्ट फेमस पर्सनालिटीज हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हैं चाहे वो डॉक्टर्स हैं, आप उनकी कोट पढ़ोगे, इवन अभी आपने देखा होगा कंट्रोवर्सी हुई थी जिसने परमाणु बम बनाया वो भी इंस्पायर्ड हुआ था हमारे ही किताबों से। आजकल जो क्वांटम थ्योरी पे बहुत ज्यादा जोर है, मल्टी डायमेंशनल वर्ल्ड की बात हो रही है, वो भी हमारे कपिल मुनि की लिखी हुई किताब के द्वारा ही निकला हुआ है। तो सब कुछ निकला हुआ है, बाहर के लोग अप्रिशिएट करते हैं और हम ही लोग इन चीजों को मिथ बता देते हैं। देखिए JP Morgan, एवरीबडी नोज कि कितने बड़े बैंकर रहे हैं US के। इनकी फेमस सेइंग है, मिलियनर्स डोंट यूज एस्ट्रोलॉजी, बिलियनर्स यूज। ओके, अरबपति खरबपति लोग एस्ट्रोलॉजी यूज करते हैं, जो सामान्य लखपति लोग हैं वो उनके लिए एस्ट्रोलॉजी वो विश्वास करें या ना करें। ओके, बिकॉज अरबपति करोड़पति लोग जानते हैं कि भाई हम तो जो कर रहे हैं हम तो क्या है, एक निमित्त मात्र है, हमारे स्टार फेवर है वो हमसे करवा रहे हैं। ओके, बिकॉज दे बिकम हम्बल, दे नो कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है पर वो कोई एक शक्ति है जो मुझे को ये सब चीजें करा रही है। फोर्ब्स मैगजीन है, प्योर बिजनेस की नंबर 1 मैगजीन है, इट सेज कि आजकल फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में, तो जब हम फोर्ब्स की बात कर रहे हैं तो इंडिया की बात, हम तो पूरे फिर वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं फोर्ब्स मैगजीन की। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं ऑल टेक कंसल्टेशन फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर्स, और एस्ट्रोलॉजर्स में हो है कंपटीशन की आई एम द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर। ओके, एल्बर्ट आइंस्टीन ही सेड पावर ऑफ स्टार्स एंड द प्लैनेट्स इन द रिलेशन टू द टेरेस्ट्रियल, है ना, एवरीथिंग इज गवर्न बाय स्टार एंड द प्लैनेट्स। ओके, तो अगर किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो वो ये चीज को समझने की कोशिश करे, जो वर्ल्ड के टॉप बिजनेसमैन है, टॉप साइंटिस्ट है, टॉप डॉक्टर्स हैं, एवरीबडी बिलीव इन अवर एंशियंट साइंस, है ना, तो ये आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। आपको क्या, ये जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि प्लैनेट और स्टार के द्वारा गवर्न नहीं है। अब ये हमको कैसे हेल्प करेगी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, आपको और हमको कैसे हेल्प करेगी? देखिए ऐसा तो नहीं है जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी नहीं जानता वो पैसे नहीं कमा रहा है, या वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, या वो इन्वेस्टिंग नहीं कर रहा है, सब अपना कमा रहे हैं और सब अपना गंवा रहे हैं। ओके, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, दो तरह से आप मार्केट में एंटर कर सकते हो, या तो आप इन्वेस्टिंग करोगे, आपने एक शेयर लिया बड़ा सा ब्लू चिप और कहा भाई मैं तो रख लिया इसे बेचूंगा नहीं, अपनी बच्चे के नाम छोड़ के जाऊंगा, लॉन्ग टर्म ले लिया, बेचूंगा 5 साल 10 साल बाद जरूरत पड़ी तो, बस रखा है मैंने तो ले लिया, इन्वेस्टिंग कर दी। जैसे झुनझुनवाला जी थे वो लॉन्ग इन्वेस्टर थे, कंपनी के शेयर लेते थे
वो कंपनी के पार्टनर ही बन जाते थे। और दूसरा एक तरीका है ट्रेडिंग, इंट्राडे के नाम से भी आप जानते हो कि भाई आज खरीदा है आज ही बेच दिया, आज से आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते हो। इफ यू आर ट्रेडिंग इंट्राडे, आज आपने खरीदा है तो मार्केट क्लोजर पे आपको बेचना पड़ेगा। आपने बेचोगे तो मार्केट क्लोज करते हुए जो इससे भी आपने ऐप लिया हुआ है जिसके थ्रू आपने वो डील करी है वो अपने आप क्लोज कर देगा, मार्केट क्लोज होते हुए जो रेट थे वो अपने आप लग जाएंगे। ओके, ट्रेडिंग के अंदर आपके पास अगर कोई स्टॉक नहीं है तो इसमें आप शॉर्ट कर सकते हो, इसमें आप ना होते हुए भी बेच सकते हो। आप कहते हो मैं 10, ये शेयर है मैं 10 बेच रहा हूँ, आपके पास नहीं है तो अभी बेच दोगे और फिर उसी दिन आपको खरीदना भी पड़ेगा। ओके, तो वो भी जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है उसकी सहायता से आप जान सकते हो कैसे करते हैं। तो ये दो तरीके हो गए। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, जो ये इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसा लगा के शेयर रख लेते हैं लंबा रखते हैं, ये लोग कंपनी की फंडामेंटल की स्टडी करते हैं, कंपनी की प्रॉफिट बैलेंस शीट क्या है। बंद रखिए भाई बंद रखिए। गैस्ट्रोनॉमी में मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, दिस इज नॉट गुड। उनको कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए कि कंपनी की बैलेंस शीट क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, प्रमोटर्स कौन है, कंपनी दूसरी कंपनी कैसी कर रही है, कंपनी के का रिकॉर्ड क्लीन है, ये सब वो देखना पड़ता है। और जो ट्रेडर्स है उन लोगों को कंपनी के फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं है क्योंकि सारा काम मोमेंटम से हो रहा है। आज कंपनी आज लिया है आज ही बेचना है, तो कंपनी की जो रेपुटेशन है, डायरेक्टर की जो रेपुटेशन है वो स्टेक पे नहीं है, सारा काम मोमेंटम से हो रहा है। ओके, तो इसके अंदर लोगों को टेक्निकल चार्ट की हेल्प लेते हैं, कैंडल्स वगैरह कुछ इशारा करती हैं कि मार्केट अब उठने वाला है गिरने वाला है, पहले वो वार्न करती हैं, तरह तरह के इंडिकेटर्स हैं और बहुत सारे इसके अंदर कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, कहाँ रेजिस्टेंस मिलेगा, क्या तरीका है, पूरा एक ये साइंस है। ये दोनों दो तरह के इन्वेस्टर हो गए। और ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी फंडामेंटल वालों को भी हेल्प करेगी क्योंकि कंपनी का चार्ट भी पढ़ने के बाद वीकेंड से कि इस कंपनी का फ्यूचर कैसा रहने वाला है, और जो टेक्निकल चार्ट इंट्राडे में काम कर रहे हैं उनको भी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हेल्प करेगी। अच्छा कोई मुझे बताए, देखिए कोई मुझे बता सकता है क्या कि कितने परसेंट लोग पैसा कमाते हैं और कितने, 100 100 लोग पैसा अगर लगाते हैं तो कितने कमाते हैं, कोई बताएगा। देखिए 5% ओनली। सही बोला रितेश जी ने। देखिए सब लोग अपने को म्यूट रखिए, सब लोग म्यूट नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने आप बंद कर दूंगा। ठीक है, म्यूट रखोगे तो फिर मैं थोड़ा इंटरेक्शन कर सकता हूँ। देखिए आप अभी ये लोगों ने, रेशियो बढ़ गया है सर थोड़ा। देखिए 100 पर 100 लोग पैसा लगाते हैं तो मुश्किल से 5% लोग पैसा कमाते हैं, जो पैसा गंवाते हैं 95% पैसा उसका पैसा कौन ले गया, 5% पैसा लोग ले गए। ये जो 5% 95% पैसा गंवा रहे हैं 5% कमा रहे हैं, उन 100 लोगों में वो लोग भी हैं जो कि फाइनेंस MBA फाइनेंस करा हुआ है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट है, बैंकर्स हैं, है ना, बैंकिंग वाले लोग हैं। वो सब मिलाने के बाद भी, और ऐसे लोग जिनको कंपनी की इनसाइड आउटसाइड सब कुछ पता है, उनको पूरा फाइनेंशियल मार्केट कहाँ जा रहा है सब पता होता है, उन सबको भी काउंट करने के बाद ओनली देर आर 5% पीपल, और सब टेक्निकल चार्ट पढ़ पढ़ा के, सारे लोग तो नहीं है कुछ परसेंट ही लोग पढ़ते हैं पर पैसा 5 ही % पैसा कमाते हैं।
इसका मतलब हमको और भी तो कुछ हेल्प चाहिए जो कि हमारे सक्सेस रेट को बढ़ाए। कैसे हम उस 5%, कैसे हम 95% से निकल के 5% वाले ग्रुप में एंटर करें। एक चीज और समझिए, 5% लोग पैसा कमा रहे हैं जिसमें टेक्निकल फंडामेंटल पढ़ना भी नहीं आता, पढ़ना भी आता है। जो लोग टेक्निकल और फंडामेंटल जानते होंगे उनका सक्सेस होने का चांसेस और ज्यादा हो गया, और जो लोग टेक्निकल भी जानते हैं, चार्ट पढ़ना जानते हैं और वो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, तो उनकी सक्सेस रेट और ज्यादा बढ़ जाएगी ना। क्योंकि जब उनकी टेक्निकल फाइंडिंग कह रही है कि आज या कल मार्केट का रेट बढ़ेगा इस पर्टिकुलर सेक्टर का, और एस्ट्रो इवेंट जो है वो भी कह रहा है कि इस सेक्टर का कल से रेट बढ़ेगा, इफ बोथ द फाइंडिंग्स आर इन सिंक, तो सक्सेस रेट बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके okay? ये सारी चीज हम टेक्निकल चार्ट पे मैं समझाऊंगा आपको। चलिए अब थोड़ा सा वी नीड टू मूव लिटिल फास्ट। देखिए प्लैनेट वगैरह ये असर कैसे डालते हैं, एस्ट्रोलॉजी विजन क्या है पता कैसे लगता है। जितने भी प्लैनेट है, 12 प्लैनेट, 12 साइन, मेष वृषभ मिथुन कर्क जो मैंने बताया, और 27 नक्षत्र, ये जीव धातु और मूल, इसको हिंदी में कहते हैं मतलब लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग से मतलब ये है, जैसे कुछ लोग, आपको हैरानी होगी, कुछ लोग मेरे गल्फ कंट्री से और कुछ ऐसी कंट्री से भी थे, तो वो लोग एनिमल में भी ट्रेडिंग कर मतलब करते थे। तो वहां पे वो पूछते थे भाई ये कौन से प्लैनेट के अंडर में आएगा, तो वो भी पता लग जाता है। पर जनरल हम बात करें तो प्लैनेट साइन कॉन्स्टलेशन किसी ना किसी सेक्टर को, किसी ना किसी कमोडिटी को, जैसे गेहूं, चावल, टबैको, कुछ भी हो सकता है, या किसी ना किसी मेटल को, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, निकिल है, जिंक है, तांबा है, कॉपर है, ओके, सबको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एवरीथिंग इज गवर्न बाई वन और द अदर प्लैनेट, वन और द अदर राशि एंड द नक्षत्रास। नक्षत्रास फिक्स होते हैं, जैसे मेष राशि है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगी, फार्मेसी को रिप्रेजेंट करेगी, वो फिक्स है। पर प्लैनेट निरंतर घूमते रहते हैं, गोचर करते रहते हैं। तो प्लैनेट घूमते घूमते जिस राशि में प्रवेश करते हैं, और हर राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो आप कह सकते हो कि तीन तीन तरह के नक्षत्र हर राशि में होते हैं। तो जब प्लैनेट एक राशि में प्रवेश करता है, उसी राशि के किसी एक नक्षत्र से, फिर दूसरे नक्षत्र से, तीसरे, जैसे कि मान लो बुध मरकुरी मेष राशि में प्रवेश करता है, तो मेष राशि में प्रवेश करके वो मेष राशि से जो गवर्निंग सेक्टर्स है उनको प्रभावित करेगा, अपने खुद के सेक्टर्स को और कमोडिटी को प्रभावित करेगा, बेस्ड ऑन वो राशि में उच्च का है, नीच का है, उसका लॉर्ड उसका शत्रु है ना, ये सब पे डिपेंड करके। और उसके बाद फिर और भी चीजें होंगी, मेष के अंदर आपको 3 तरह के नक्षत्र मिलेंगे, अश्वनी, भरणी, कृतिका। अश्वनी केतु का नक्षत्र हो जाएगा, भरणी शुक्र का नक्षत्र हो जाएगा, कृतिका सूर्य का नक्षत्र हो जाएगा। ओके, तो बुध पूरी राशि में एक दिन करीब 25 दिन रहता है, तो 25 दिन तक वो एक इफेक्ट देगा जो कि उसको मेष राशि में रहकर देना है। पर उस 25 दिन में से आप कह सकते हो करीब 6-7 दिन वो जब केतु में जाएगा तो उस पर केतु का इन्फ्लुएंस आएगा, बाकी के 7 दिन करीब उसके ऊपर, बाकी के आठ 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 16 लगा लो, 24 दिन है ना, तो 8 + 3 = 24 हो गया। दूसरा नक्षत्र छोटा ही होता है, तो पहले 2 नक्षत्रों में करीब 10-10 दिन रहेगा और बाद वाले में करीब 4 दिन। ओके, तो शुक्र के नक्षत्र में जाएगा तो 10 दिन तक वो बुध शुक्र के प्रभाव में काम करेगा, राशि बुध की रहेगी, तो ये डिसीजन हमको लेना पड़ते हैं। और फिर भरणी नक्षत्र किस सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, उन 10 दिन के अंदर बुध और भरणी
उस तरीके से मार्केट को और उस पर्टिकुलर सेक्टर को भी इन्फ्लुएंस करेंगे। ओके, इसके अलावा जब प्लैनेट मूव करते हैं राशि में, आप कहोगे कि सूर्य तो हर साल मेष राशि में एक निश्चित दिन को आता है, 14-15 अप्रैल को, तो हर बार क्या एक से रिजल्ट देगा? तो राशि में प्रवेश करेगा उसका एक रिजल्ट आते हैं, पर वो चीजें मॉडरेट होती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें उस दिन अलग हो जाएंगी। उस दिन कौन सा वार है, मतलब डे डे ऑफ द वीक कौन सा है, उस दिन नक्षत्र कौन सा है, चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, उस दिन तिथि कौन सी है, तो ये फैक्टर भी सब काम करते हैं। ओके, और हम क्या समझेंगे? देखिए, सूर्य गोल्ड कॉपर बूल के अंदर, राइस वीट सेक्टर के अंदर, जितने भी सरकारी सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर, पावर सेक्टर है ना, मीडिया, गवर्नमेंट सेक्टर, इन सबको ये गवर्न करता है। ओके, ऐसे चंद्रमा है, क्रूड ऑयल एंड गैस है, ग्लास इंडस्ट्री है, और जितना भी जलीय चीज है, डिस्टिलरीज है, कोल्ड ड्रिंक्स है। ओके, और मेटल में ये सिल्वर को, एल्युमिनियम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हम जितने भी 12 प्लैनेट है उन सब की कमोडिटी और सेक्टर को बहुत डिटेल में जानेंगे। यहाँ तो मैंने आपको थोड़ा सैंपल लिख के दिखाया। इसी प्रकार से राशियां, जैसे कि मेष राशि है कैपिटल गुड फार्मास्यूटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को गवर्न करती है। ओके, और ये जो है कॉपर को, आयरन को गवर्न करती है। इसी तरीके से जितनी भी राशियां 12 है उसको हम समझेंगे, इट विल टेक टाइम। जैसे कि मरकुरी है वृषभ राशि, एफएमसीजी को रिप्रेजेंट करेगी, गवर्न करेगी, बैंकिंग को करेगी, शुगर को करेगी। ओके, तो जितनी भी 12 राशियां उसकी कमोडिटी सेक्टर्स हम बहुत डिटेल में समझेंगे। 27 नक्षत्र जो है उसकी भी, जो कमोडिटी सेक्टर्स है वो भी हम समझेंगे। ओके, तो ये हमने देखा कि कौन सा प्लैनेट कौन सा सेक्टर है, किस तरीके से हम देखेंगे। उसके बाद क्या रहता है कि प्लैनेट जब इन राशियों और नक्षत्रों में प्रवेश करता है, तो उस प्लैनेट जिस भी सेक्टर कमोडिटी पे उसका होल्ड है, जिस राशि में गया है, उस राशि का उस कमोडिटी में उस सेक्टर के ऊपर क्या होल्ड है, और नक्षत्र, इन तीनों के द्वारा, और उस प्लैनेट का उस राशि में वो एग्जॉल्टेड है, डेबिलिटेड है, मित्र राशि में है, शत्रु राशि में है, ये सब जान के हम डिसाइड कर सकते हैं कि इनसे रिलेटेड किस किस सेक्टर्स के अंदर तेजी या मंदी का रुख रहेगा, और वो कब तक रहेगा, जब तक कि वो पर्टिकुलर प्लैनेट उस पोजीशन में रहेगा। जब वहां से निकल के वो दूसरे राशि नक्षत्र में जाएगा, तो दूसरे राशि नक्षत्र के अधीन जो भी धातु मूल या सेक्टर्स से है वो प्रभावित होगी। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे, शॉर्ट टर्म में देखना है तो प्लैनेट कौन से नवमांस में जा रहा है। ओके, ये भी हमें देखना पड़ता है कि प्लैनेट की अवस्था क्या है, क्या वो रेट्रो तो नहीं हो रहा है उस राशि में, उस राशि में वो कम्बस्ट तो नहीं हो रहा है, कम्बस्ट होने के बाद उदित तो नहीं हो रहा है, उस राशि में रहते रहते कोई ग्रहण तो नहीं लग रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। एक सामान्य नियम मैं आपको बताता हूं कि कोई प्लैनेट जब अपनी ऐसी राशि में जाता है जो उसकी मित्र की राशि हो, या फिर वो उच्च का हो जाए, मीन त्रिकोण का हो जाए, तो वो कंफर्टेबल पोजीशन में, और जब वो कंफर्टेबल पोजीशन में है तो वो क्या करेगा, वो अपनी अधीन चीजों की प्रोडक्शन बढ़ा देता है, प्रचुर मात्रा में पैदा करता है। ओके, तो उसके कारण मूल्य चीजें जो है गिर जाती है, और जब वो शत्रु राशि के अंदर जाता है, डेबिलिटेड होता है, तो वो अपने अधीन
और राशि के अधीन जो भी सेक्टर कमोडिटी है उसकी स्केयरसिटी पैदा कर देता है और रेट बढ़ जाते हैं। ओके, तो एक एक साधारण सिद्धांत है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट जब होता है, देखिए जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हर प्लैनेट के रेट्रोग्रेड होने में थोड़े थोड़े खास खास हम देखते हैं कि क्या क्या चीजों में तेजी आएगी, किन चीजों में मंदी आएगी। ओके, कई बार जब प्लैनेट रेट्रो होता है तो किसी खास कमोडिटी में तेजी कर सकता है, किसी खास में मंदी। तो वो हम जब सारे प्लैनेट पढ़ेंगे, बारे जब हम समझेंगे। पर एक जो मूलभूत सिद्धांत है वो ये है कि कोई भी प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होता है तो उसके अधीन जो भी सेक्टर और जो भी कमोडिटीज है उसके रेट बढ़ जाते हैं। और जब वो अस्त होता है, ओके, दो चीजें, या तो वो रेट्रो होगा, और रेट्रो जिस राशि में होगा उस राशि के अधीन जितने भी सेक्टर है उनके भी रेट बढ़ जाएंगे। ओके, पर एक सामान्य नियम है, कुछ अलग अलग चीजें भी है। जैसे कि बृहस्पति जब रेट्रो होता है तो रेट्रो होते हुए कई बार अगर पहले ही मार्केट बहुत तेजी चल रही हो तो वो कई बार मंदी भी कर देता है ना। तो वो चीजें भी हम समझेंगे इन डिटेल। मरकरी रेट्रोगेड होगा तो 24 दिन के लिए हो जाता है, वीनस 42 दिन के लिए ना। ये सारे प्लैनेट की हम डिटेल समझेंगे। प्लैनेट जब गति से चलता है, हर प्लैनेट की एक सामान्य गति होती है। कोई प्लैनेट जब अपनी सामान्य गति से तेज चलने लगता है तो ये उसके अधीन जो चीजें हैं उनके रेट कम होने लगते हैं, ये भी एक फैक्टर होता है। फिर प्लैनेट का मैंने आपको बताया था, प्लैनेट अस्त होते हैं और उदित होते हैं। इसका भी जो मेन प्रिंसिपल है वो यही लगेगा कि जब प्लैनेट अस्त होता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम होने के कारण उसके रेट गिर सकते हैं। पर ये भी थोड़ा डिटेल्ड विषय है क्योंकि मरकरी और वीनस ये जो अस्त होते हैं और उदित होते हैं, ये कई बार पूरब से उदित अस्त होते हैं और पश्चिम से उदित हो जाते हैं, कई बार ये पश्चिम से अस्त होते हैं और पूरब से उदित हो जाते हैं। तो ये हमको देखना पड़ता है किस डायरेक्शन से सेट हो रहे हैं, किस डायरेक्शन से राइज हो रहे हैं। जो स्लो मूविंग प्लैनेट है वो एक ही डायरेक्शन से अस्त होते हैं। ओके, तो ये सब चीजें भी हमको कंसिडर करनी होती है। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज वेस्टर्न आस्पेक्ट। देखिए वेस्टर्न आस्पेक्ट, इसको एंगुलर आस्पेक्ट भी कहते हैं, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमारा एस्ट्रोलॉजी के अंदर रह जाता है। कंजंक्शन, सेमी सेक्टर, सेक्टर, सेमी स्क्वायर, ये सब अंग्रेजी की टर्म है और ये हर डिग्री का एक खास नाम दिया हुआ है। ओके, तो ये भी अलग अलग एंगुलर डिवीजन अलग अलग असर डालते हैं। उदाहरण के तौर पे दो प्लैनेट के बीच में अगर 60 डिग्री मतलब सेक्सटाइल या 120 डिग्री मतलब ट्राइन ये एंगुलर डिवीजन बन रहा है तो उन दोनों प्लैनेट के अधीन जो भी कमोडिटी सेक्टर है उनके रेट बढ़ जाएंगे। और वही वो दोनों प्लैनेट आपस में 90 डिग्री मतलब स्क्वायर पे हैं या अपोजिशन 180 पे हैं तो रेट गिर जाएंगे। जब ये प्लैनेट कंजंक्ट होते हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी वाली चीज है क्योंकि वो जब प्लैनेट कंजंक्ट होते हैं तो वो तेजी कारक भी हो सकते हैं, मंदी कारक भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि दो प्लैनेट जो कंजंक्ट हो रहे हैं वो दोनों मैलिफिक हैं, दोनों बेनिफिक हैं, एक मैलिफिक है एक बेनिफिक है। ओके, तो बहुत सारी चीजें इसमें देखनी पड़ती हैं। फिर उनका व्यवहार भी देखना पड़ता है। जैसे सैटर्न है, उसका मूल स्वभाव कम करना, कमती करना है। अगर वो तेजी कारक योग भी बनाएगा तो अभी इतनी तेजी नहीं दे पाएगा क्योंकि उसका स्वभाव मंदी करना है। जबकि जुपिटर तेजी, जुपिटर फैलाता है चीजों को। ओके, तो वो तेजी, तो जब वो अगर वो मंदी कारक बनेगा वेस्टर्न एस्पेक्ट में, उस टाइम वो उतनी मंदी नहीं कर पाता जितना सेटर मंदी करता है। तो बहुत सारी चीजें हमको कंसिडर करनी पड़ती हैं। कंजंक्शन ऑफ द प्लैनेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
स्पेशली जो स्लो मूविंग प्लैनेट है लॉन्ग टर्म मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म प्लैनेट है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो की भूमिका बहुत ज्यादा है। आप जानना चाहते हो कि अगले 5 महीने कैसा रहेगा, 2025 में कैसा रहेगा। देन स्लो मूविंग प्लैनेट को वी हैव टू स्टडी देयर पोजिशन, देयर प्लेसमेंट, देयर एंगुलर एस्पेक्ट्स। ओके, और अगर हमको देखना है कि अगले 15 दिन में 1 महीने का कैसा रहेगा, तो जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है जैसे कि सन है, शुक्र है, सन, शुक्र और मरकुरी, ये तीनों मिलके भी महीने का मार्केट काफी डिसाइड करते हैं। आपको स्पॉट स्पॉट और फ्यूचर देखना है तो फिर मरकुरी वीनस का रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, इंट्रा डे का देखना है तो मरकुरी और मून का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो दैट वी हैव टू कंसिडर। चलिए अभी हमने जितना पढ़ा उसको कुछ हम केस स्टडी पे लगा के देखते हैं। देखिए बड़ा विषय है, मैंने काफी सारी चीजें बहुत समराइज फॉर्म में समझाने की इसलिए कोशिश करी है कि इनके बेस पे हम ये देख सकें कि इनका असर क्या है, बैंक डेटा पे हम इसका असर जान सकें। और अगर आप देखते हो कि जो भी हम पढ़ते हैं वो बैंक डेटा पे काम कर रही है, पिछले 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के डेटा पे हमने काम किया, एंड वी आर फाइंडिंग इट इज वर्किंग, इट इज वर्किंग एट लीस्ट 90%, 95% टाइम। ओके, देन वी कैन गेन द कॉन्फिडेंस। देखिए जब मैंने कहा 90%, मैंने 100% क्यों नहीं कहा। हर फैक्टर को आप देखोगे, लगाओगे, तो आप एक ही फैक्टर पे फोकस कर रहे हो, वो फैक्टर्स कई बार आपको लगेगा कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, कई बार वो कम कर रहा है, फिर आप कहोगे ये फैक्टर काम नहीं कर रहा, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जब रियल लाइफ में आप प्रेडिक्शन करने बैठोगे, एट ए टाइम मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म फैक्टर काम कर रहे होते हैं जो कि कह रहे हैं बुलिश, उसके में एक आपका दूसरे दो फैक्टर और लग गए जो कि मीडियम टर्म के या शॉर्ट टर्म के, वो मार्केट को बुलिश बना रहे हैं, या फिर इस तरह की एस्पेक्ट्स लगी हुई हैं कि कुछ उसको बुलिश बना रही हैं, कुछ उसको बियरिश बना रही हैं। देन वी हैव टू सी कहाँ पे चीजें ओवरलैप हो रही हैं, कहाँ पे वो योगा या वो प्रोफेसी इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, कौन सा योगा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि तो जो एस्पेक्ट्स होती है वो भी मेजर और माइनर में आप क्लासीफाई कर सकते हो। ओके, तो जब आप रियल टाइम में इसको प्रेडिक्ट करोगे तो आप मल्टीपल फैक्टर को चेक करके करोगे, और जब आप एक फैक्टर से बैक में जाके करते हैं तो अगर वो मेजर फैक्टर है और उस टाइम दूसरे फैक्टर नहीं लग रहे हैं, तो फिर आप पाओगे कि वो 100% काम कर रहे हैं। ओके, तो देखिए अभी 2024 में 21 अप्रैल को देखिए लॉन्ग टर्म में मैंने बोला था, देखिए जुपिटर यूरेनस का कंजंक्शन हुआ था, 18 अप्रैल को कंजंक्शन हुआ है, मार्केट गिर रहा था, गिर है ना, मार्केट क्या है, रिट्रेस कर गया। आप देख सकते हो ठीक है ना, 18 है ना, 19-20 की शायद छुट्टी थी, जो भी है, कई बार जो इफेक्ट आता है, देखिए कई बार योगा बनते हैं रात के 2 बजे बन रहे हैं, अगले दिन सैटरडे संडे है, तो कई बार योगा आपको जो इम्प्लीमेंट होगा 2 या 3 दिन का डिले आ सकता है। तो आप देख रहे हो 18 तारीख से ही इसका जो मार्केट है एकदम से चढ़ना शुरू हो गया। जुपिटर सेक्सटाइल सैटर्न, ओके, तो जब कंजंक्शन प्लैनेट होने शुरू होते हैं, जब एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट के नजदीक बढ़ना शुरू होता है, तो कंजंक्शन पहले ही काम करना शुरू कर देता है, करीब 8 डिग्री पहले से ही। तो आप कहो जब वो पूरा मेन कंजंक्शन होगा उससे करीब आप पाओगे 8 डिग्री पहले से ही तेजी बननी शुरू हो जाती है। 19 जून को ये रिजल्ट मिला है, 19 तारीख तक से पहले देखिए जुपिटर का सैटर्न से सेक्सटाइल है, और ये क्या है, दोनों स्लो मूविंग है, पहले से ही तेजी बननी शुरू हो गई थी इसकी, 19 अप्रैल को इसने टॉप बना दिया।
19 जून को, सॉरी। ये देखिए घटना साल में एक बार होती है, हर बार होती है। जुपिटर, अच्छा ये तो जुपिटर स्क्वायर प्लूटो है, ये इसकी बात नहीं कर रहा था मैं। इसमें भी देखिए 90 डिग्री, अभी मैंने आपको बताया था मंदी करता है ये 90 डिग्री, 180। आई टोल्ड यू इट इज ए बियरिश योगा। यहाँ पे देखिए आप 18 मई को बियरिश बनना शुरू हो गया और 18 मई को इसने बॉटम बना दिया। ओके, जुपिटर और नेपच्यून देखिए 12 अप्रैल, ओके, मार्केट नीचे जा रहा था, 12 अप्रैल को इसने यहाँ पे फिर पीक बना दिया और ये दोनों कंजंक्ट होने से पहले ही मार्केट उठना शुरू हो गया था। क्योंकि तो जैसे ही जुपिटर नेपच्यून धीरे धीरे कंजंक्शन की तरफ पड़ेंगे, उनका प्रभाव ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा और जब वो कंजंक्शन पे होंगे उस टाइम वो पीक पे होगा, और जब वो सेपरेट होने लगते हैं तो उनका प्रभाव कम होने लगता है। तो आप पाओगे, आप देखोगे उसके बाद जब मार्केट फिर नीचे आना शुरू हो गया। ठीक है, देखो सर नेपच्यून में भी इसने बियरिश बनाना शुरू कर दिया और 19 है ना, 17 मार्च का था, ठीक है, 19 तारीख को इसने यहाँ बॉटम बना दिया, 19 से पहले ये नीचे आना शुरू हो गया था मार्केट। सर नेपच्यून आप पिछले साल भी देखो यही घटना 24 में हुई है, यही घटना जब 23 में हुई उस टाइम भी यही रिजल्ट आया। ओके, अगेन इट मेड द बॉटम एंड देन मार्केट स्टार्टेड राइजिंग। सन मर्करी कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली मंथली के लिए, आई टोल्ड यू एट दैट टाइम। अक्सर क्या होता है, मर्करी जब सन के पास जाता है तो तेजी लेके जाता है, स्पेशली जब सन के पास जाते हुए वो उसकी गति भी बढ़ जाए, और जब वो सूर्य से आगे निकलता है तो मंदी शुरू हो जाती है। यू कैन चेक दिस, ये अभी हुआ है 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल तक देखोगे जब ये बढ़ रहा है तेजी होती चली गई, उसके बाद मर्करी सुपरसीड एकदम से मंदी आ गई। ओके, मर्करी वीनस कंजंक्शन है ना, ये बहन ये मंदी कारक है। ये देखिए असल में कंजंक्शन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, हर प्लानेट का देखना पड़ता है कौन कौन से प्लानेट है, ये हम बहुत डिटेल में समझेंगे, पर मैं आपको कुछ एकदम से लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइव इन द सेंस कि जो भी रिसेंटली हुए हैं। 18 अप्रैल को हुआ ये वीनस मर्करी कंजंक्शन, ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन है स्पेशली फॉर द स्पॉट एंड फ्यूचर। मार्स जुपिटर कंजंक्शन ये भी तेजी लेके आता है और बाद में मंदी लाता है। तो देखिए मार्स जुपिटर है ना, देखिए मार्केट नीचे जा रहा था, मार्स जुपिटर कंजंक्शन चालू हुआ तो यहाँ से मार्केट ऊपर उठना शुरू हो गया। 30 मई को इसने यहाँ पे अपना पीक बनाया और उसके बाद फिर वापस गिरा, ठीक है, क्योंकि इसके मिलने के बाद फिर मार्केट 11 दिन तक गिरता है। सैटर्न मार्स कंजंक्शन इसमें भी देखिए वो टॉप बना के नीचे आया। देखिए रेट्रोग्रेशन का मैंने आपको बताया था, जनरली क्या होता है जो प्लैनेट रेट्रो होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, नॉट नॉट ऑल द टाइम, उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, इसलिए इसको ब्लाइंडली नहीं लगा सकते। सैटर्न रेट्रो होगा तो क्रूड ऑयल के अंदर तेजी लाता है, उससे रिलेटेड कंपनी है रिलायंस के अंदर आप देखिए 17 जून को ये रेट्रो हुआ है। देखो साइडवेज चल रहा था मार्केट, कितनी लंबी रैली शुरू हो गई, जैसी सैटर्न रेट्रो हुआ कितनी लंबी रैली एकदम से आप देख सकते हो स्टार्ट हुई है। ओके, और आप ऑयल एंड गैस के इंडेक्स पे देखोगे वहां भी सेम पैटर्न आपको दिखेगा। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होता है तो निफ्टी पे और शेयर मार्केट पे सीधा इम्पैक्ट होता है, तेजी आती है, बहुत वोलेटाइल होता है मार्केट। मर्करी जब रेट्रो होगा तो स्विंग्स में लोग बहुत पैसा कमाते हैं, क्योंकि डेली मार्केट ऊपर नीचे होता है, स्विंग्स में पैसा लोग कमा जाते हैं। तो मर्करी रेट्रो हुआ है, देखिए कब हुआ है, 13
13 तारीख को दिसंबर को और जनवरी 2, 24 तक। यहाँ से देखिए मार्केट उठना शुरू हो गया, ठीक है। मरकरी से आईटी इंडस्ट्री, आईटी कंपनी भी गवर्न होती है। तो दिसंबर 13 से आप देखिए मार्केट, देखिए टर्निंग, आपको पता होगा टर्निंग डेट। टर्निंग डेट का मतलब है कि कोई मार्केट तेजी की तरफ बढ़ रहा है, उस पर्टिकुलर एस्ट्रो इवेंट पे मंदी चालू हो गई, या कोई मार्केट नीचे गिर रहा है, एक खास एस्ट्रो इवेंट हुआ और मार्केट उसी दिन से ऊपर चढ़ने शुरू हो गई। इसके अलावा टर्निंग डेट आप उसे भी कह सकते हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, खास एस्ट्रो इवेंट हुआ तो मार्केट की गति ऊपर जाने की और तीव्र होगी। मार्केट गिर रहा है स्लोली, एक एस्ट्रो इवेंट हुआ, मार्केट और तेजी से नीचे गिरना शुरू हो गया, वो भी एक तरह से टर्निंग टर्निंग डेट ही होती है। यहाँ पे मार्केट बढ़ रहा था, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ रहा था, पर जब मरकरी रेट्रो हुआ तो देख रहे हो आप ये ओपन गैप के साथ मार्केट फटा, एक एकदम से जंप मारा। पर मरकरी बहुत फ्लक्चुएट करता है, वोलेटाइल होता है, एकदम से जंप मारा फिर गिरा भी, ठीक है, फिर उठा। मैंने आपको बताया था इसमें लोग बहुत पैसा कमाते हैं, किसमें, क्योंकि अप डाउन बहुत करता है और अंत में तेजी लाता है, अंत में तेजी लाएगा, देखो ऊपर ही कूद के बाद में। गोल्ड के बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, ये मैंने खैर अपने लिए बनाए थे। आपको मैं क्या दिखाता हूँ, आपको मैं ये दिखाता हूँ, देखिए गोल्ड के सारे बियरिश आप देखोगे अर्ली मार्च तक सारे बियरिश के योगा लग रहे थे। बहुत सारे योगा है, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, बट आप ये देख सकते हो बियरिश योगा मार्च तक लगे हुए हैं। तो आप देखोगे इस साल मार्च तक मार्केट ठंडा रहा गोल्ड का, और मार्च से एक वेस्टर्न एस्पेक्ट भी लगी और एक विशेष संबंध बना था, ये कि राहु और मार्स, राहु और मार्स एक राशि में होते हैं, कि ये योगा ही हम सब पढ़ेंगे, मार्केट एकदम शूट करता है, ठीक है ना। तो मार्च अप्रैल से हमारा मार्केट बढ़ना शुरू हो गया था, ओके। पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ स्पेशली मार्स रेट्रो का, देखिए इस साल मार्स रेट्रो ग्रेड नहीं हुआ। लास्ट टाइम कब मार्स रेट्रो ग्रेड हुआ था, लास्ट टाइम रेट्रो ग्रेड हुआ था ये 30 अक्टूबर 22 को 13 जनवरी 23 तक, ओके। तो आप देख सकते हो मार्केट ठंडा चल रहा था, और आप ये देखिए 30 अक्टूबर है, 30 अक्टूबर आते ही मार्केट गोल्ड का ऊपर उठना शुरू हो गया, जैसे ही गोल्ड ये मार्स रेट्रो हुआ था, जब तक ये रेट्रो रहा इसने एकदम गोल्ड के रेट को उठा दिया, ओके। सिल्वर के ऊपर इम्पैक्ट देख सकते हो, सिल्वर रेट्रो था पर ये अस्त हो गया, अस्त होते ही मैंने क्या आपसे कहा था कि डिमांड कम हो जाती है, रेट गिर जाते हैं, आप देख रहे हो ये रेट चांदी के नीचे आ गए, ठीक है, 5 अगस्त से एकदम से रेट नीचे गिर, 17 अगस्त मार्स रेट्रो होएगा तो मेटल पे भी असर डालेगा। आप देख रहे हो मेटल की इंडिसेस पे, देखो ये मेटल की इंडिसेस है, ओके, निफ्टी मेटल, इस पर भी आप देख रहे हो मार्केट साइडवेज चल रहा था। आई जस्ट टोल्ड यू कि 30 तारीख को मार्स रेट्रो हुआ था, तो इसको हम कहेंगे एस्ट्रो इवेंट। व्हाट एस्ट्रो इवेंट हैपेंड ऑन 30 अक्टूबर, मार्स बिकेम रेट्रो एंड यू कैन सी द इम्पैक्ट, इमिडिएटली मेटल के प्राइस एकदम से शूट हो गए, कब तक, जब तक ये रेट्रो रहा, ओके। क्रूड ऑयल देखिए, आज मैंने आपको जो हम कोर्स में करेंगे कुछ चीजें बताई हैं, बाकी हमारे कोर्स में बहुत कुछ हम पढ़ेंगे, जैसे कि सर्वतो भद्र चक्र है, कोटा चक्र है, ध्रुवांक है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अभी यहाँ डिटेल में, अगर डिटेल आपको किसी को कोर्स चाहिए तो वो मुझे लिख सकते हैं, ओके। क्रूड ऑयल में देखिए सैटर्न एक्वेरियस राशि में प्रवेश किया, अपनी ही राशि में गया, नीचे था,
क्योंकि कोई भी प्लैनेट जब अपनी राशि में जाएगा तो रेट कम कर देता है अपने अधीन चीजों की। पर इसी में जिस दम सैटर्न रेट्रो हुआ तो रेट एकदम से उठ गए। देखिए जनवरी में एक्वेरिस में गया था, फट से क्रूड ऑयल के नीचे, ऑयल गैस रेट नीचे आ गया, नीचे चलता रहा क्योंकि एक्वेरिस में सैटर्न की अपनी राशि है। परंतु 17 जून को, जनवरी को तो ये आया एक्वेरिस में, रेट नीचे चलते रहे क्योंकि अपनी राशि में। 17 जून को शनि जो है वक्री हो गया, 4 नवंबर तक रेट्रो हुआ, इसका इम्पैक्ट देखिए। 17 जून को हुआ है, ठीक है, 2 दिन ये नीचे गया और उसके बाद इसने ऊपर की तरफ जंप मारा। सैटर्न का प्रभाव आने में 1-2 दिन का लैग लग सकता है। दूसरा, कई बार जिस दिन जो योगा लग रहा है उसी दिन कोई शॉर्ट टर्म योगा भी लग सकता है, तो उसको भी हमें देखना होता है। ओके, तो इस जो लंबे इस तरह के योगा लगते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, जिस दिन वो एस्ट्रो इवेंट है सबसे अच्छा है, अगले दिन की आप कैंडल चेक करिए, वो डे की कैंडल अगर एस्ट्रो इवेंट वाले डे की कैंडल के हाई से ऊपर जा रही है तो समझ लो आपका एस्ट्रो इवेंट काम कर रहा है। ओके, पर ये क्योंकि लंबा है तो फिर अगले दिन भी देख सकते हो उसको। और अगर वो एस्ट्रो इवेंट के लो को ब्रीच कर रहा है तो मार्केट नीचे जा रहा है, और आप क्या कह रहे हो ये तो ऊपर जाएगा, तो अभी आप वेट करो। यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट ट्रेड ऑन दैट डे, क्योंकि सैटर्न रहेगा तो आप देखो 2 दिन वेट करो। यहाँ पे आप पाओगे, यहाँ पे जब ये ट्रेंड आपको अपर ट्रेंड दिखना शुरू करे यहाँ पे आप पैसा लगा सकते हो, है ना। ये देखिए ऑयल एंड गैस 10 साल की, ये 10 साल का ऑयल एंड गैस का चार्ट है। 2014 में सैटर्न स्कॉर्पियो में था, जलीय राशि में, जलीय राशि में जाती है प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो सॉरी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है तो रेट गिर जाते हैं। फायरी साइन में जाता है तो ऑब्स्टेकल आते हैं, प्रोडक्शन हैम्पर होती है, रेट बढ़ जाते हैं। तो देखिए 2014 में बिल्कुल मार्केट ठंडा चल रहा था ऑयल एंड गैस का। 2017 में ये सैगेटेरियस में आया जो कि अग्नि तत्व राशि है, ठीक है, तो यहाँ देखो एकदम से रेट कूदने शुरू हो गए थे। 2020 में अपने राशि में आया, फिर रेट नीचे डिप हुए। 2023 में आया था तो नीचे आने लगे थे रेट, परंतु यहाँ पे आप देख रहे हो मार्केट रेट्रो हुआ, फट से मार्केट उठ गया। ठीक है, तो आज हमने क्या समझा है, मेनली हमने समझा है कि मार्केट कैसे इंग्रेस करता है, कैसे रिजल्ट देता है, अस्त होने पे क्या रिजल्ट देता है, और उसका रेट्रो होने पे क्या रिजल्ट देता है, कंजंक्शंस के क्या रिजल्ट देते हैं। कुछ हमने स्क्वायर और सेक्सटाइल वाली भी एस्पेक्ट देखे थी। ओके, तो इसी को हम रेप्लिकेट करके आगे भी मार्केट को फोरकास्ट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर सेक्टर को भी कर सकते हैं, किसी खास कंपनी को का शेयर भी रीड कर सकते हैं। कंपनी का शेयर कैसे बनाएंगे, कंपनी की जन्म पत्री कैसे बनाएंगे, दैट वी विल टेकिंग द कोर्स। ओके, फिर अपनी खुद की जन्म पत्री कैसे पढ़ेंगे वो भी हम लोग कोर्स में बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अच्छा, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं आपका ये खोल रहा हूँ, धीरे एक एक करके पूछे कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा भी, जिसकी जो क्वेरी हो। कोर्स हमारा ये शुरू होगा 29 मई से, फीस 25,350 है, करीब इसके 15-16 सेशन होते हैं, 2.25 महीने कोर्स चलेगा, हर सेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी और स्टडी मटेरियल तो मिलेगा ही। अभी आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं।
अजी जो जिसे पूछ रहा है वो हाथ रेस करे तो मैं उसका विंडो खोल दूंगा। एक सेकंड। हाँ जी बोलिए रोहित जी। रोहित बोलिए। रोहित जी मैंने आपको अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछिए। ये दीप जी क्वेश्चन पूछिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने को। हेलो सर, मेरा आप नमस्ते गुरु जी। हाँ मेरा सवाल ये है कि अगर हमें एग्जैक्ट टाइम निकालना है जो सडननेस का इंट्राडे का, तो हाँ वो निकाल सकते हैं क्या हम? हाँ हाँ बिल्कुल। इंट्राडे में निकाल सकते हैं। इंट्राडे के अंदर चंद्रमा का, बुध का और ये बृहस्पति इंपॉर्टेंट होते हैं, और पूरा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगले घंटे का भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, मार्केट कैसा रहेगा अगले घंटे, कौन से सेक्टर के अंदर ट्रेडिंग होने वाली है। ओके ये सब आप निकाल सकते हो। ओके, और मुझे स्टॉक का भी निकालना होगा, हाँ स्टॉक स्टॉक कमोडिटी का। स्टॉक हाँ स्टॉक भी निकाल सकते हो, सेक्टर भी निकाल सकते हो, कमोडिटी भी निकाल सकते हो। हाँ एग्जैक्ट टाइम मतलब जो सडननेस होता है, जो स्पाइक आते हैं ना, फट करके स्पाइक। निकल जाता हाँ है। हाँ देखिए वो हाँ स्पाइक जो होती है, ठीक है बिल्कुल निकाल सकते हो। देखिए कुछ ना कुछ एस्ट्रो इवेंट होते हैं और वो ट्रिगर करते हैं, स्पेशली प्लैनेट किसी राशि में प्रवेश कर रहा है, नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, नक्षत्र पद में प्रवेश कर रहा है, नवांश पद में प्रवेश कर रहा है, कोई खास दृष्टि लगी है ना, कोई वेद लगा है सर्वतोभद्र चक्र का, कोई कोई कॉम्बिनेशन, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जो उस चीज को ट्रिगर करेगा। ये सब नो ओके ओके अपने आप तो ट्रिगर नहीं हाँ होगा ना, तो हमें ये हाँ पता लगाना है कि भैया ये वाली घटना कितने बजे ट्रिगर होगी, उस चीज को हमें, और वो जो घटना ट्रिगर होगी वो तेजी कारक होगी या मंदी कारक होगी, और उसमें कौन से प्लैनेट इन्वॉल्व है, कौन सी राशि इन्वॉल्व है, तो कौन सा सेक्टर और कौन सी कंपनीज उसमें इन्वॉल्व हो सकती है, तो उस पर उससे हम उस नतीजे तक पहुंच सकते हैं। और इससे हम मतलब वर्ल्ड का भी जो अभी जो वॉर भी होते हैं उसको भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो अभी यूक्रेन और इसका देखो होगा मैं पहले ही। इसमें सुनिए, ज्योतिष बहुत बड़ा विषय है, तो मैं इसमें जो सर्वतोभद्र चक्र लूंगा, सर्वतोभद्र चक्र के माध्यम से आप यूक्रेन का युद्ध है, कहीं का युद्ध है, कोटा चक्र पढ़ूंगा उस पर कर सकते हो, कोटा चक्र भी पढ़ाऊंगा, परंतु हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है सर्वतोभद्र चक्र कोटा चक्र में आपको सिर्फ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के यूज के लिए बताऊंगा, क्योंकि तो अगर मैं सर्वतोभद्र चक्र आपको पढ़ाने बैठ जाऊं कि वो व्यक्ति के लिए कैसा काम करेगा, उसको मुहूर्त में कैसे यूज करते हैं, शादी का मुहूर्त कैसे निकालेंगे उससे, किसी व्यक्ति के जीवन की घटना अच्छी बुरी कैसे निकालेंगे, दो कंट्री लड़ाई हो रही है, तो उससे सर्वतोभद्र चक्र तो चक्रों का राजा है, तो 15 सेशन तो मैं सर्वतोभद्र चक्र पे दे सकता हूँ ओके जैसे। सर सर हाँ तो ठीक है, चलिए अब किसी और को मौका देंगे। ओके ओके ठीक है। जयदीप जी, ओके थैंक यू सर। रविंदर जी पूछिए क्वेश्चन। हेलो सर, हाँ जी हाँ रविंद्र जी। हाँ जी हाँ जी इसकी एक्यूरेसी क्या है? जैसे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो वो तो अलग मेथड हो गया या अलग मेथड है? देखिए ये जो टूल होते हैं, टूल होता है कि यूज कौन कर रहा है, टूल तो अपने आप में बहुत पावरफुल है, टूल तो बहुत पावरफुल है, अब वो उस बंदे में कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी उसकी उसका इंटरप्रिटेशन है, उसकी खुद की टेक्निकल नॉलेज कैसी है, बस ये है। जैसा ये तो पूरी एक विद्या है, ये तो पूरा मैं कहूंगा 100% दे देगा, पर क्या इसकी बारीकियों में जाके हम सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन को लेके हम 100% सही डिसीजन ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। देखिए टेक्निकल चार्ट तो सभी पढ़ते हैं जो जो पढ़ते हैं, पर क्या टेक्निकल चार्ट पढ़ के बिल्कुल सभी कमा रहे बिल्कुल हैं, सभी कमाते हैं क्या? सभी नहीं कमा पाते टेक्निकल चार्ट पढ़ के भी,
नहीं कमा पाता। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो टेक्निकल चार्ट पढ़ के बहुत कमा रहे हैं, हाँ, और कुछ लोग कहते हैं यार टेक्निकल चार्ट कुछ नहीं होता, बेवकूफ बनाते हैं। ऐसे भी तो लोग हैं दोनों दोनों तरीके के लोग हैं, सही बात है। क्योंकि है। मार्केट में 100% तो कुछ नहीं है सर, लेकिन एक एक्यूरेसी, जैसे हम टेक्निकल वाले बोलते हैं कि 50% है या 70% है या तो रविंदर जी, 85%। इस पे मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आपकी एक्यूरेसी पहले से 60% है तो, और आप एस्ट्रोलॉजी की अच्छी समझ कर ली आपने, तो आप 90 पर पहुंच जाओगे। आप पहले ही जो है लॉस में रहते हो, 40% पर काम कर रहे हो, तो आप 60 पे, आपकी एक्यूरेसी को बढ़ा देगा। तो क्यों हम बढ़ा देगा? इसको, क्यों, हाँ क्योंकि आपने टेक्निकल चार्ट पढ़ा, आपने कहा कि आज ये जो है तेजी का रुख है, और आपको एस्ट्रो इवेंट भी कह रहा है तेजी का रुख है, तो जब आपने दो जगह से उसको वैलिडेट कर लिया तो आपका सक्सेस रेट बढ़ गया ना। और अच्छा, मतलब आप टेक्निकल भी हमने देख लिया और इस एस्ट्रोलॉजी से भी देख लिया। हाँ, और आपको कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीज आ रहे हैं कि आपको टेक्निकल कह रहा है मंदी है, एस्ट्रोलॉजी कह रही है ना, तो जहां पे आपको दोनों में जिस दिन बंद कॉन्फिडेंस हो हो, गई ये, तो वहां पे वो दिन आपके लिए बेस्ट है। भी बंद हो गई होगी, रेट रविंद्र जी, बंद, सैतालीस रविंद्र जी बंद कर दीजिए ठीक अपना। है ठीक, वो ही बंद हो गई रविंदर जी अपना म्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक है सर। प्रवीण जी, आप बताइए। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि अच्छा एस्ट्रोलॉजी आपकी मैं वीडियोस देखे अच्छा और बहुत अच्छे से सारे रूलिंग प्लैनेट और वो जो भी कॉन्सेप्ट आपने डेमो वीडियोस डाली थी यूट्यूब के ऊपर, वो देखी मैंने, बहुत हाँ हाँ चलिए, ही अच्छे लगी और बहुत कुछ सीखने को मिला। अब अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आज केपी के में देखिए, आपकी वीडियोस देख देख कर मेरे को केपी में इंटरेस्ट पैदा हो गया है। केपी तो का, केपी का अलग यूज है। आज फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कोई प्रश्न है तो हाँ, बताइए। उसी हाँ से उसी से उसी के बारे में मैं जानना चाह रहा था। जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी जो हम आप नेटिव की जैसे सिखाते हो, उसके अंदर तो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग्स निकाल लेते हैं हम लोग केपी हाँ एस्ट्रोलॉजी से। अब हाँ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में अगर हम केपी का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी क्या हमको एग्जैक्ट कब टॉप लगेगा इंट्राडे में, कब बॉटम लगेगा, कब रेंज बाउंड होगा, ये उसका, निकल उसे आएगा? भी यूज कर सकते हैं, पर लिमिटेशन है। जब आप मंडेन एस्ट्रोलॉजी यूज करते हो, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी यूज करते हो, सर्वतोभद्र चक्र यूज करते हो, तो रिजल्ट बहुत पावरफुल आते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी बहुत विशाल जी सर, है ना। तो आप जब इन चीजों को यूज करोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। सर इंट्राडे के लिए जैसे आप सर्वतोभद्र चक्र भी सिखाएंगे हाँ और इंट्राडे में आप केपी एस्ट्रोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, और थोड़ा आप ये बताऊंगा, थोड़ा 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 बताऊंगा। और वेस्टर्न एस्पेक्ट का भी आप बता रहे हो, तो ये तीनों चीजें जब एक जैसे इंडिकेशन देंगे तभी ट्रेड करेंगे, या अगर कॉन्ट्राडिक्टरी? आप बताएंगे कब क्या चीज यूज करनी है, किससे कितना वेटेज देना है, वो हम समझेंगे। अच्छा, हाँ तो दूसरी चीज ये जो पोजिशनल ट्रेडिंग है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो SBC से है, KP से होगा या वेस्टर्न से होगा? अभी इस चक्कर में मत पड़ो, अभी सारी वो पूरी टोटल साइंस है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये बंद कर दी केपी, ठीक है ना। जैसे प्लैनेट है, राशि है ना, तो सारी की जी सारी जो चीजें है, ये पूरा एक कोर्स है, उस कोर्स से आप चीजों को समझोगे। अभी आप उसको ऐसे मत डिवाइड करो, अभी वेस्टर्न आस्पेक्ट जो हमने, मैंने आज आपको पढ़ाई है वेस्टर्न आस्पेक्ट, तो हाँ जी उसको ऐसे मत समझो कि ये वैदिक से अलग चीज है। अच्छा, वो ये सेम कोर्स में सारी चीजें हैं, हम अपने आप समझेंगे कि कौन सी चीज कहाँ पे लगेगी। नहीं, वो आपकी बात मैं समझ गया। जैसे आप हमको तीन चार तरह के मेथड सिखा रहे हैं, तो वो सारी खिचड़ी नहीं बन जाएगा सब कुछ? खिचड़ी नहीं बनेगी, अरे मेरे भाई खिचड़ी नहीं बनेगी। हम बताएंगे ना, जो वेस्टर्न एस्पेक्ट आप यूज करोगे, हाँ वैदिक जी वैदिक वाले एस्पेक्ट आप बहुत कम यूज करोगे। खिचड़ी अच्छा जी खिचड़ी नहीं बनती है हाँ जी आपको, बल्कि आप ये चीज आपको फायदा देती है। जब आपको एक ही चीज करने के पांच रास्ते पता है, आपको पता है कब कौन सी चीज लगनी है। हाँ जी आज हाँ जी आज सारी चीजें एक साथ नहीं लगती हैं। हाँ आज जी मान लो वेद नहीं लग रहा, हाँ जी आज कोई वेद नहीं लग रहा, परंतु आज एक वेस्ट एक आस्पेक्ट लग रही है, तो आज हाँ आस्पेक्ट जी आस्पेक्ट का वेटेज बहुत हाई हो जाएगा। हाँ जी आज कोई वेद लग रहा है, तो वेद वेद सुपरसीड कर जाता है बाकी चीजों को।
हाँ जी, हाँ जी ना, तो ये सारी चीजें हम समझेंगे। सर, जैसे कई यूट्यूब पर वीडियोस हैं जिसके अंदर लोग केपी को यूज करके एक एक्सेल शीट बनाकर बताते हैं, तो क्या आप वो भी सिखाएंगे? वो नहीं सिखाएंगे, वो पूर्ण विद्या नहीं है। ठीक है, जो मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा। दूसरी चीज है, दो लोग तो न्यूमरोलॉजी से भी करा देते हैं यार। हाँ जी, लोग तो, आप ट्रेडिंग करते हो, आप आज खरीदोगे आज बेचोगे, या तो आपको फायदा होगा या लॉस होगा। तो 50% तो आप रोज रोज कर सकते हो, 50% सर तो एक आप। चीज, लास्ट चीज ये पूछनी थी, जैसे मेरे को शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग सूट करेगी या पोजिशनल ट्रेडिंग सूट करेगी, ये कुछ आप सिखाएंगे हमको? ये शेयर मार्केट के बारे में है, एक सेशन होगा। एक हाँ जी, सेशन में मैं आपको ये बता दूंगा कि सब लोग अपने अपने जन्म पत्री कैसे देख सकते हो कि आपको मार्केट सूट करेगा या नहीं। हाँ, वही 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 मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, जैसे तो हाँ, मैं मेरी अगर मैं अगर आपको कुंडली, ये सिखाऊंगा, 2 महीने का कोर्स है, ठीक है, आप कभी केपीआर इधर उधर मत भागो। एक सेशन में आपको इतना पता लग जाएगा कि शेयर मार्केट में यू विल मेक प्रॉफिट और नॉट, और किस पीरियड में आप प्रॉफिट कमाओगे, हाँ जी, कौन से सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इतना आप समझ सकते हो। मेरे को कौन सा सेक्टर या मेरे को कौन से स्टॉक सूट करेंगे? अभी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, इतने परेशान मत होइए, ठीक है। ठीक है सर, आपको थैंक यू पता सर। लग जाएगा, आपको पढ़ के पता लग जाएगा मेरे लिए। अरे हाँ आप जी, ऐसे थोड़ी होएगा कि मैं कह दूंगा आप उधर रिलायंस ले लो और SBI ले लो। नहीं, मेरे को कौन सा सूट करता है? मैं ऑब्वियसली हाँ, टेक्निकल तो वो एनालिसिस भी सेक्टर में करूंगा। उसका उत्तर आपको दिया ना, हाँ हाँ आई जी, हाँ टोल्ड जी, यू कि कुछ, किस सेक्टर में लगाना चाहिए। फिर आप कह रहे हो मुझे कंपनी भी पता लग जाए, है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, कई लोग सेक्टर भी, मतलब कई एस्ट्रोलॉजर सेक्टर भी, सेक्टर के साथ साथ स्टॉक भी बता देते हैं, इसलिए पूछ रहा था। अरे बड़ा सीधा सा मैं आपको कहूंगा क्रूड ऑयल एंड गैस में करो, तो आपको मुझे बताने की जरूरत है कि आप रिलायंस में लगाओ या ना लगाओ। हाँ जी, बिल्कुल कुछ कुछ बिल्कुल तो कॉमन सेंस भी तो रखोगे, कुछ नहीं रखोगे। सर, एक पर्सनल मैं क्वेश्चन कहता हूँ बैंकिंग में लगाओ, तो मैं आपसे कह दूंगा SBI में मत लगाओ। सर, आप अगर अलाउ करें तो एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? नहीं अभी रुक जाओ यार, बहुत इतने सारे क्वेश्चन मैं एक बंदे से नहीं ले सकता। ओके, थैंक आप यू तो सर, मेरे थैंक वो स्टूडेंट हो, आप मेरे से अलग से पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन यू सर। कितने भी पूछ लो, परंतु अब बस आज सबसे कम से कम एक एक क्वेश्चन तो मैं ले लूँ, बाकी लोगों ने हैंड रेस किए हुए हैं। राहुल जी थैंक यू बताइए, सर। राहुल जी बताइए। सर नमस्कार। नमस्ते। हाँ सर, इसमें मेरे दो क्वेश्चन है सर। दैट इज, अभी नॉर्मल ओवरऑल हम लोग मार्केट के लिए निकालेंगे, ओके पर सर स्पेसिफिक डे के लिए, अगर वो जातक, मतलब जो हुएवर इज ट्रेडिंग उसके, मतलब वो दिन में वो प्रॉफिट है, वो हम यहाँ पे देखेंगे आज, मतलब इन द सेंस ये कोर्स में? हाँ, मतलब आपके लिए वो हाँ सूट मतलब करेगा। हाँ सूट करेगा, ओके फाइन, सूट तो कर रहा है, पर इट्स नॉट लाइक कि डेली हम लोग प्रॉफिट करेंगे, बट वो स्पेसिफिक जो कोई ट्रेडर है उसके लिए आज का दिन प्रॉफिटेबल है, वो हम लोग कुछ कैलकुलेशन रहेगा कि उसका, कुंडली में, हाँ खुद के कुंडली में देखने वो मैं बताऊंगा, वो दैट आई विल टेल। जो मैं ये से? ओके, देखिए, और वन मोर थिंग एक सर, यहाँ पे, सुनिए हाँ सुन लीजिए, पूरे क्वेश्चन का आंसर तो सुन लीजिए। पूछा, हाँ एक हाँ हाँ सेशन होगा जिसमें आप अपनी पर्सनल हॉरोस्कोपी होगी, उसके अंदर आप ये जान सकते हो कि आज का दिन मेरे लिए कैसा रहेगा, या कौन सी दशा भुक्ति अंतरा मेरे लिए अच्छी है, कौन सी मुझको अवॉइड करनी है। दिस मच एक दिन में मैं जितना बता सकता हूँ उतना बता दूंगा, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग सर, यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप रहेंगे जहाँ पे हम लोग अपना प्रैक्टिकल देखेंगे बाकी सब टीम मेंबर्स के साथ, ऐसा रहेगा सर यहाँ पे ग्रुप में? नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप तो रहेगा, पर उसमें तो मैं ही पढ़ाऊंगा, तो आप तो उस पर सीखते रहोगे, पर आप लोग आपस में डिस्कस करते रहते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक। ठीक है राहुल, चलिए किसी और का क्वेश्चन लेता हूँ मैं। पीयूष जी आपका क्वेश्चन लेता हूँ। बताइए पीयूष जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, वेलकम। एक्चुअली हाँ सर, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ और हाँ मुझे कुछ बुकिंग में से इसके बारे में पता चल रहा है कि ऐसे मतलब प्लैनेट भी इन्फ्लुएंस करते हैं, और मतलब एक दो इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम में वो भी बात करते हैं इस बारे में। हाँ और सर वही जानना था कि एग्जैक्टली मतलब प्लैनेट इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं, आपने मतलब लगता है पूरा उसके। सेशन सुना नहीं आज का पीयूष जी।
नहीं, मैं सर मैंने सुना, मैंने सब सुना कि वो कंजंक्शन के बारे में पूरी चीज नहीं, नहीं उससे पहले जो थी। मैंने बताया था कि हर प्लानट, हर नक्षत्र, हर राशि किसी ना किसी सेक्टर प्लानट को गवर्न करती है, और हाँ कैसे वो प्लानट करती है। घूम घूम के एक राशि नक्षत्र में जाते हैं, अपनी पोजीशन के हिसाब से, रिलेशनशिप के हिसाब से, अपनी अवस्था के अनुसार रिजल्ट देते हैं। ये तो मैंने बहुत डिटेल में आज ही बता दिया। एक्चुअली मुझे जानना था कि मतलब ऐसे प्लानेट ऐसे जरा कैसे साफ साफ बोलो, आपका बहुत मतलब डिस्टरबेंस आ रही है आवाज। क्या कहना चाह रहे हो? सर आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है, बताओ। सर मैं बोलना चाह रहा था कि ऐसे मतलब ये मतलब मैं तो मतलब बहुत अभी यंग हूँ, तो मतलब मेरे को बिलीव मतलब मैं शौक हूँ इस सर की बात है सर, ये चीज होती है। आपने मुझे दिखाया कि अब मार्केट रिवर्स कर दी और उन्होंने ऐसा शूट अप कर दिया, आपने क्या चार्ट डिस्प्ले किया, तो ये सर मतलब ये क्या मतलब अरे ये मेरे सबकी भाई, लाइफ क्या है आप सर? यंग हेलो हो, सर। देखो आप यंग हो, आप जैसे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ही मैंने जेपी मॉर्गन, एल्बर्ट आइंस्टीन और फोर्ब्स मैगजीन जैसे लोगों को इसीलिए तो रखा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। भाई उसको तो आप भी जानते हो, हाई स्कूल के स्टूडेंट भी जानते हैं कि भाई एल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे। ठीक यस सर, है, यस सर, मैंने तो ग्रेजुएशन एल्बर्ट आइंस्टीन अटेंड कह करी। रहे हैं ना प्लैनेट नक्षत्र, तो इनका असर होता है। और बिलीफ सिस्टम सबसे बड़ा है, जितना बिलीव करोगे उतनी चीजें तो होएंगी। एक तरीका तो यह है कि बिलीव करो मत करो, भाई चीजें तो होएंगी, जैसा सृष्टि चला रही है वो तो होएंगी। तो सूनर और लेटर, हाँ तो तो वही तो सब सर कुछ कि होता है, आप सब कुछ, आपकी सब कुछ होता। डेस्टिनी तय है, मतलब कि आप कुछ भी करो समय के साथ होता है। हाँ, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। चलिए ठीक है, मैं किस ये नाम समझ में नहीं आ रहा मुझे पूरा, एक सेकंड, ये सैमसंग लिखा हुआ है, सैमसंग SM M52 जिसका भी ये हैंड रेज है। चलिए पुष्कर जी, आपका क्या प्रश्न है? पुष्कर जी, आपका प्रश्न है कुछ? चलिए फिर ठीक है, तो मैं समाप्त करता हूँ आज का कार्यक्रम। शिवाजी, आपका कुछ क्वेश्चन है क्या? शिवा, यू हैव सम क्वेश्चन? आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो, यस 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 यस, या सर, वी विल गेट एनी सॉफ्टवेयर फॉर दिस अलोंग विद दिस कोर्स? नहीं सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा, बट देर आर सम वेरी गुड सॉफ्टवेयर विच आर फ्री, दैट आई विल टेल यू, दैट यू कैन डाउनलोड। ओके, ओके एंड फॉर सर्वतोभद्र चक्र आई विल टेल वन सॉफ्टवेयर विच है ना, विच इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन परचेज, है ना? ओके हाँ, कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि फ्री है, वो मैं बताऊंगा, जहाँ से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। कुछ कुछ पंचांग्स हैं जो आपको जरूरत पड़ेगी, दैट आई विल आल्सो रिकमेंड। ओके, ओके एंड सम मटेरियल आल्सो आई विल गिव यू। ओके सर, एंड वन मोर थिंग सर, लाइक एज पर दिस सर्वतोपदर चक्र, लाइक वी कैन फाइंड आउट द सेक्टर एज वेल, एंड ऑल्सो लाइक वी कैन फाइंड आउट द स्पेसिफिक कंपनी इन द पर्टिकुलर सेक्टर बाय यूजिंग एनी टेक्निक्स इन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी? सी, दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सपोज ऑयल एंड गैस, यू कैन गो टू NSE साइट एंड यू कैन सी व्हाट ऑल कंपनी आर देयर इन ऑयल एंड सेक्टर। ओके, या फार्मास्यूटिकल सेक्टर, यू कैन गो एंड चेक ऑन BSE साइट है ना, स्टॉक एक्सचेंज साइट। तो यू दे विल है ना, सो ऑन देयर वेबसाइट यू कैन फाइंड विच ऑल कंपनी आर देयर इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर। इन दैट पर वंस यू गेट द लिस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, विच एवर कंपनी है ना, सपोज सिप्ला, सपोज यू वॉन्ट टू मेक इन्वेस्टमेंट इन सिप्ला कंपनी, करेक्ट। देन यू कैन मेक अ चार्ट ऑफ द सिप्ला कंपनी। आई विल टेल यू हाउ द चार्ट फॉर दैट कंपनी, हाउ द चार्ट फॉर द कंपनीज आर क्रिएटेड एंड हाउ दे कैन बी सीन, हाउ द चार्ट कैन बी रेड एंड टेक द डिसीजन, है ना? बिकॉज देर आर टाइम्स वेन फार्मेसी सेक्टर इज गोइंग गुड, डजेंट मीन दैट ऑल द कंपनी
विच फॉल्स इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर आर डूइंग गुड, है ना, सम मे नॉट बी डूइंग गुड, ओके। तो कंपनी वाइज आल्सो यू कैन मॉनिटर। ओके ओके सर। हाँ सर इन दिस फॉर दिस कोर्स राइट, लाइक दिस अमाउंट लाइक वी कैन पे इन मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स राइट? नॉट इन मल्टीपल, टू इंस्टॉलमेंट, या दैट्स फॉर टू इंस्टॉलमेंट्स। या हाँ इन 1 month टाइम। ओके 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 सर। ओके ओके थैंक यू। ओके तो विद दैट आई एम क्लोजिंग द सेशन। ओके एंड आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोगों ने अटेंड किया। अच्छा ये ये छाया जी आपको कुछ क्वेश्चन है क्या? चलिए चलिए ठीक है, फिर मैं अभी समाप्त करता हूँ इसको और दोबारा बता देता हूँ। हमारा कोर्स शुरू होगा 29 मई से, पहले ही 23 मई से हो रहा था, किसी रीजन से 1 हफ्ता आगे किया है मैंने, तो 29 मई से शुरू होगा। और मेरा नंबर वगैरह आप ये देख सकते हो यहाँ पर, 9205722596। यहाँ पर आप मुझको कोई भी व्हाट्सअप कर सकता है, कोर्स के बारे में कुछ भी जानना है, कोर्स का कंटेंट जानना है, मुझसे फोन कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके इसके साथ ही मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और सेशन को क्लोज करता हूँ। और ओके गुड नाइट।